हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सी टोबासिटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे एक रियल टाइम फेस रिकग्निशन सिस्टम बनाने वाले हैं, और इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि केवल एक इमेज से ट्रेन हो जाएगा और काफ़ी रॉबस्ट रिजल्ट देगा। तो इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेंगे। अब आप ये समझिए कि दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया अपना वो कंपोनेंट जो कैमरा आएगा, आप उसके सामने होंगे और फिर वो डिटेक्ट करेगा कि आप एक नोन पर्सन है अननोन पर्सन है। दूसरा कंपोनेंट कि अगर आप अननोन पर्सन है तो यू दैट मीन्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपके इमेज के ऊपर। तो वो जो ट्रेनिंग है वो अपन दूसरे कंपोनेंट में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से इस वीडियो में केवल अपन करेंगे वो वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? जिसमें स्ट्रीम चलेगी और आपके है ना फेस के अराउंड बॉन्डिंग बॉक्स आएंगे, लेबल आएगा कि अभी तो ऑब्वियसली अननोन आएगा, बट हाँ लेटर ऑन जब ट्रेन करेंगे तो वो पर्टिकुलर लेबल आएगा जो भी वो पर्सन होगा। परफेक्ट, तो लेट्स बिगिन। बिफोर गोइंग टू इट, अपन को ये चार लाइब्रेरीज चाहिए होगी टू बिगिन विद, ठीक है। स्ट्रीमलेट, ये स्ट्रीमलेट क्या होता है? ये यूआई के लिए होता है, जो अपन को बेसिक यूआई अगर अपन को बनानी होती है कभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों को दिखाने के लिए, और काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो जैसे आपको अपनी इंडस्ट्री में भी काफ़ी अगर फटाफट शॉर्ट नोटिस पे अगर कोई डेमो प्रिपेयर करना है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फेस रिकग्निशन, ये एक लाइब्रेरी जिसमें यू नो विथ विच वी विल बी डूइंग स्टफ। ओपन सी पाइथन, सी रिलेटेड चीज़ें, डिलिप, ये आप अगर नहीं भी इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ये एक रैपर है जो डिलिप के ऊपर ही बना हुआ है। अब ये क्या काम करता है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये 128 डायमेंशन का वेक्टर बनाता है अपने फेशियल फीचर्स का, और उसके बेसिस पे यू नो मैचिंग करता है। कैसे मैचिंग करता है? कोसाइन सिमिलैरिटी के ऊपर, ठीक है। इट इज़ इमेच्योर, तो ऐसे जो भी जो वेक्टर आपस में, जैसे ये दो वैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ये, तो जितना ये कम होगा दैट मीन्स उसका डिस्टेंस उतना कम होगा तो वो सिमिलर होगा। तो इस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। चलो, एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ माय इंपोर्टिंग ओपन सीवी। सीवी टू से अपन इंपोर्ट करते हैं। लेट्स मेक अ फंक्शन रियल टाइम फीड, ओके। अब सबसे पहली बात हमें क्या बनना होगा, सबसे पहले आप वी विल हैव टू मेक अ वीडियो कैप्चर का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आपके वेबकैम को एक्सेस करेगा। परफेक्ट। ज़ीरो क्यों? ज़ीरो इसलिए क्योंकि जैसे आपके लैपटॉप है, आपका एक ही वेब कैम है, तो ज़ीरो इज़ डिनोटिंग दैट अगर आपने एक्सटर्नल वेब कैम कनेक्ट किया है तो आप वन दे दीजिएगा उसको, तो वो वाला चल जाएगा, ठीक है, बस इसका ये मतलब है। चलो, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आप ये समझिए कि हमें एक वीडियो चलानी है, दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ इमेजेस। उसका मतलब क्या है? कब तक वो इमेजेस की स्ट्रीम चलती रहेगी अपन को नहीं पता। तो जब कंडीशन डेफिनेट नहीं हो तो क्या यूज़ करते हैं? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप ट्रू। अब कब टूटेगा वो अपन डिसाइड करेंगे। व्हाट विल डू, विल टेक फ्रेम फ्रॉम दिस, ठीक है। ये अंडरस्कोर क्या है? एक और एक बुलियन रिटर्न करता है, तो वो अपने किसी काम का नहीं है, तो इसलिए अंडरस्कोर, बिकॉज वी वोंट बी यूजिंग दैट। ये फ्रेम आ गई अपने पास, परफेक्ट। अब इस फ्रेम का क्या करेंगे अपन? लेट्स शो इट इन अ विंडो, सेव टू आई एम शो फीट, उस विंडो का नाम दे देते हैं और फ्रेम, ठीक है। अब आप चलाएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें वेट की लेनी पड़ती है, क्योंकि वरना क्या होगा, वो विंडो वेट ही नहीं करेगा, वो आके पलक झपकते चला जाएगा। तो आसान भाषा में इस विंडो को अगर आपको देखना है तो वेट की लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हाँ, एक और चीज़, अब अगर वेट किया आपने लगाई, ठीक है, अब बंद भी तो करना पड़ेगा। तो बंद कैसे करेंगे अपन? कोई कीबोर्ड पे की दबा दिया ऐसे कुछ, तो वो कंडीशन में लगाएंगे अपन। तो इफ सी टू डॉट वेट की एंड ये कौन सा एंड है? लॉजिकल ऑपरेटर, वेरी गुड। अब अपन करेंगे ये ध्यान से देखना आप, 0xff, इट डिनोट्स कि कौन से कीबोर्ड पे क्या प्रेस हो रहा है। एक कीबोर्ड का मैपिंग रखता है, ठीक है, ORD
ORD मतलब क्या होता है कि जो अपन कीबोर्ड पे क्यू दबाएंगे तो उसका जो वैल्यू मैपिंग होगी वो अगर 0xFF होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब अगर ये ट्रू हुई तो वी जस्ट हैव टू ब्रेक इट अप। ब्रेक करने के बाद क्या करना है अपन को, जो भी ऑब्जेक्ट बना है उनको उनको क्या करना है, बाय बाय। चलो ये बाय हो गया और डिस्ट्रॉय बेटा सी भी बाय हो गया। ठीक है, ये बन गया अपना फंक्शन। ठीक है, इस पर अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना। ये बस ऐसा है कि आप कीबोर्ड पे क्यू दबा रहे हो, अब क्यू तो ये समझता नहीं है। ठीक है, तो ये इस ORD क्या करेगा, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ORD ऑफ क्यू इज इक्वल टू दिस वन, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है भाई क्यू दबाए, तो आप इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो। अब इसको चला के देखते हैं, अभी चलेगा नहीं क्योंकि मेरा वेबकैम ये यूज़ कर रहा है, तो लेट मी क्लोज इट, बंद कर देता हूँ उसको। अब मैं चलाता हूँ पाइथन FR। ओह सॉरी, अब मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं चलाता हूँ, सेव नहीं हुआ था वो। ठीक है, देखो वेबकैम मेरा चल चुका है, ये रियल टाइम फीड आ गई आपके सामने एकदम परफेक्ट। और अब मैं लैपटॉप पे क्यू दबाऊंगा अपना। ठीक है, देखो क्यू दबाते ही बंद हो गई है, राइट। तो इन दिस वे वी हैव डिज़ाइन दिस रियल टाइम फीड, तो ये फीड तो आ गई अपने पास। ठीक है, अब लेट्स गो अहेड। मैं एक बार अपना वीडियो चालू कर देता हूँ दोबारा, तो मैंने अपना वीडियो चालू कर दिया है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये तो हो गया अपना रियल टाइम फीड का कोड, बट अपन तो UI पे दिखाने की बात कर रहे थे, राइट। तो UI पे कैसे दिखाएंगे, तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग स्ट्रीमलेट ST। ठीक है, ST मतलब शॉर्ट फॉर्म एज। ठीक है, अब अपन काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले UI डिज़ाइन करते हैं, ST.title, जैसे UI का टाइटल अपन क्या देने वाले हैं, दैट इज रियल टाइम फीस रिकमेंडेशन। ठीक है, ये अपना टाइटल हो गया, डन। अब अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है टाइटल दे देते हैं अभी एक बार के लिए। अब नाउ वी वांट कि ये UI पे चले, तो उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को कि एक UI की फ्रेम डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ST.empty, इसको ऐसा समझिए कि एक स्क्वायर विंडो बन जाएगी जहाँ पर अपन चीज़ें उसमें शो करेंगे। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना है, ST frame.image। ठीक है, अब इसमें अपन सब इसमें देंगे अपन फ्रेम कॉमा चैनल्स, क्योंकि ये अपन को पता है ये ओपन सी वी जब भी किसी फ्रेम को रीड करता है तो PGR में होता है। ठीक है, अब इनकी कोई नीड नहीं है अपन को, यू डोंट नीड दीज थिंग्स, क्योंकि ये अब UI पे चलेगा। चलो परफेक्ट है, अब मैं इसको रन कैसे करते हैं, अब इसको रन करने का तरीका होता है स्ट्रीमलेट रन FR, ऐसे रन करते हैं। ये देखो रियल टाइम फेस रिकग्निशन, अभी एरर आएगी क्योंकि मेरा ये वाला फिर से कैमरा यूज़ कर रहा है, तो लेट मी क्लोज इट। अब मैं रीलोड करता हूँ इसको, नाउ लेट्स सी। ओके, एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। मैं ओके, माय बैड, मैंने इस फंक्शन को ही कॉल नहीं किया, तो आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, अब मैं दोबारा अपने UI पे जाता हूँ, विल रीन इट। नाइस, वी हैव दिस ब्यूटीफुल UI एंड दिस वी हैव दिस फ्रेम, फ्रेम आ गई अपने पास बढ़िया सी। अब कितना अच्छा लग रहा है, एक बेसिक UI भी बन गया और अपना काम भी हो गया, थोड़ा एलिगेंट लग रहा है। ठीक है, अब
इसको स्टॉप कैसे करेंगे? स्टॉप करने के लिए अपन बटन बना सकते हैं एग्जिट का, तो व्हेन वी क्लिक ऑन दैट तो वो बंद हो जाएगा। कैसे करेंगे? लेट्स डू इट। अब मैं चाहता हूँ VS कोड में इफ एसटी डॉट बटन नाम देता हूँ उसका एग्जिट। अगर इस पर क्लिक होता है तो व्हाट विल डू इज वी विल डिस्ट्रॉय इट, विल किल दिस लूप। ठीक है, अब या तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को स्मूथली कैसे करा जाता है, लेट्स डू वन थिंग। इसमें एक बूल पास कर लें, ठीक है। अगर ये एग्जिट है तो रियल टाइम फीड में फॉल्स पास करता हूँ, नहीं तो ट्रू पास करता हूँ। ठीक है, लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता है। इट्स वर्किंग, मैं एग्जिट करता हूँ, बंद। ठीक है, तो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो दिस इज हाउ अपन किस तरह से एक वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रीमलेट पे। डन, नाउ लेट्स, ठीक है, अब आई थिंक वीडियो बड़ी हो जाएगी काफ़ी, 12 मिनट की तो हो ही गई है वैसे भी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी यूज़ करके बाउंडिंग बॉक्सेस इन ऑल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।